दोस्तों, अगर आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट और वैलेट का एमपिन चेंज करना, रीसेट करना और अपडेट करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको उसी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक का एमपिन रीसेट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करना है। एयरटेल ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको पेमेंट सेटिंग में जाना है। इसके बाद आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक वाले ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद अगर आप अपना एमपिन को चेंज करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं तो चेंज एमपिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद अपना जो करेंट एमपिन है उसको आपको डालना है। अपना करेंट एमपिन डाल लेने के बाद आपको यहाँ पर अपना नया एमपिन डालना है। चलिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ कुछ भी। एक बार नया एमपिन डाल लेने के बाद आपको दोबारा फिर से वही एमपिन डालना है। अब आप देख सकते हैं, योर एमपिन हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके एयरटेल पेमेंट बैंक का एमपिन चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। दोस्तों, एमपिन चेंज हो जाने के बाद आपके पास इस प्रकार से मैसेज आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट और वैलेट का एमपिन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी एमपिन रीसेट करना सीख सकें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।